हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्सल आज हमारे पास आया है बैंगलोर से, तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। तो ये फटाफट हम ओपन करते हैं और ये निकला है सैमसंग F54 का डब्बा, लेकिन इसके अंदर क्या निकलता है वो देखते हैं हम। तो ये निकला है हमारा रेडमी नोट 10 प्रो है। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये फ़ोन तो ऑन दिख रहा है हमें, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है। तो जब हमने इसे चेक किया तो इसके अंदर जो है फ्रंट कैमरा जो है प्रॉपर नहीं चल रहा था, और बैक कैमरा भी जो है ऑटो फोकस कभी ले रहा था कभी नहीं ले रहा था। तो हम फटाफट जो है मदरबोर्ड ओपन कर देते हैं, और जितने भी स्क्रू है अच्छी तरीके से हमें ओपन कर लेना है कि मदर फ़ोन खोलते टाइम हमें कोई मुश्किल ना जाए, और कैमरे वगैरह पहले रिमूव करके अच्छे से रख लेने हैं। और ये देख लीजिए मदरबोर्ड की कंडीशन ये रही आपके सामने। मदरबोर्ड जो है एकदम फ्रेश कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम जो इसकी प्रोसेसर की शील्ड है वो निकाल देंगे। शील्ड इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि सीपीयू उठाने के लिए हमें जगह बनानी पड़ती है, और शील्ड एकदम आराम से काटना है, कोई घाई नहीं करनी है। तो देख लीजिए शील्ड काट चुकी है हमारी। अब इसके बाद जो है अभी हम जो है इसको जो है थोड़ा पेस्ट डालेंगे, इसके बाद इसे हिट मारना चालू करेंगे। और पेस्ट डालते टाइम एक बात याद रखनी है हमें, एकदम आराम से लगाना है पेस्ट, कि सब हमारे सीपीयू में ही लगे, बाकी और कहीं ना जाए। तो देख लीजिए अभी जो है हमारा पेस्ट लग चुका है, और अभी हम धीरे धीरे जो हमारा स्क्रैपर है वो अंदर डालेंगे। तो देख लीजिए प्रोसेसर एकदम आराम से उतरा है, इजी ट्रिक है ये उतारने की। और शील्ड निकालना इसलिए ज़रूरी रहता है, कई लोग वहीं के वहीं भी बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है प्रोसेसर बैंड होने का डर रहता है, तो उसकी वजह से प्रोसेसर कई केस में ख़राब भी हो जाता है। तो देख लीजिए अभी हम जो जगह है पूरी क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इतना सा भी जो है डस्ट नहीं रहना चाहिए कि जब हम सीपीयू बैठा लें कि कोई तकलीफ़ ना आए। जब हमें सीपीयू बैठा लें, मैं डिसोल्डिंग वायर से एक बार और साफ़ कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा के शोल्डर पॉइंट है वो निकल जाएंगे। तो देख लीजिए ये पूरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम जो है अब सीपीयू साफ़ करेंगे, जो है इसका प्रोसेसर उसे अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे। तो देख लीजिए सीपीयू की जो है पूरा ग्लू क्लीन हो चुका है। अभी डिसोल्डिंग वायर की मदद से हम जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू है वो भी निकल जाएगा। जब हम उसे कहिया चलाते हैं तो जो ग्लू है वो निकल जाता है। अभी हम थोड़ा पीपीटी लगाएंगे इसके अंदर, और इसके पूरे पॉइंट शोल्डर करेंगे, जितना भी कार्बन है उसे अनकार्बन करेंगे। और यही हम सेम तार के ब्रश से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तार के ब्रश से भी साफ करेंगे तो उसमें थोड़ा समय बच जाता है, लेकिन इससे जो क्लीनिंग होता है वो ज़बरदस्त होता है। तो देख लीजिए ये हो चुका है पूरा अच्छे तरीके से क्लीन, और इसके चारों कोने कट कर देंगे आजू बाजू के। तो अभी हमको आईसी रिवॉल्व करना है। और आईसी एकदम हमें आराम से बनानी है, कोई घाई नहीं करनी है, एकदम इक्वल एक जैसे बॉल बनने चाहिए। क्योंकि बॉल इसलिए इक्वल एक जैसे बनना जरूरी है कि हमारी आईसी जब बैठे मदरबोर्ड में तो इक्वल एक जैसी बैठे। फाइनली ये बॉल बन चुके हैं हमारे पूरे तरीके से। अभी हम इसे चेक करेंगे निकाल के बॉल प्रॉपर बने हैं कि नहीं। देख लीजिए बॉल जो है हमारे इक्वल एक जैसे बन चुके हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसे फटाफट इसको हिट मारते हैं पेस्ट लगा के, और जो बॉल जगह पे नहीं होंगे वो जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद हम जहाँ पे पहले सीपीयू को नॉइस था वहीं हमें रखना है, इसके बाद इसे हिट मार देनी है। तो एकदम धीरे धीरे हिट मारना है आराम से कि सीपीयू जगह से हिले ना। अगर जगह से आपका सीपीयू हिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बॉल आपस में नीचे से शॉर्ट हो सकते हैं। और ये बनने के बाद मदरबोर्ड की कंडीशन है आपके सामने, और कैमरे वगैरह सब फिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको मेरे को चेक करके बताना है वाकई में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लीजिए जो फ़ोन है हमारा ऑन तो हो चुका है, डेड नहीं हुआ सीपीयू बनाने पर।
तो अभी हम इसे चेक कर लेंगे पूरा बूट करके कि वाकई में जो फ़ोन है हमारा कैमरे ऑन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देख लीजिए कैमरे ऑन हो चुके हैं। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।